वेलकम बैक टू माय चैनल मस्त कुड़िया। मैं हूं आपकी अपनी टिंपल। और गाइस, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं, उस वीडियो का नाम है भाई बहन और भूतनी रक्षाबंधन स्पेशल। बकलोर वालों की वीडियो है, तो गाइस वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल मस्त कुड़ियों को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और पे क्लिक करें। अभी हम करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। आप करें जल्दी से सब्सक्राइब। क्या हो गया, क्यों खपा रहे हो? ये सब तेरी हरकत है ना? तुझे पता है ना मुझे भूत प्रेतों से कितना डर लगता है, और तू ये सब कर रही है? और तुझे भी तो पता है भाई, मुझे लोगों को भूत प्रेत से डराने में अलग ही मजा आता है। तू है ना, यहाँ से चली जा, मुझे सोने दे, चला यहाँ से। भाई ये भूत भूत ना कुछ नहीं होते हैं। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कृष्ण लोक उजागर, नाम जो तो कृतल धामा। अदिति, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे चैन से सोने दे। अरे हाँ बेबी, फोन तो रखो, आ रहा हूँ। हाँ ले आऊंगा पैसे भी। पता नहीं कौन से कर्मों की सजा मुझे मिल रही है, तो इतना टॉर्चर सहना पड़ रहा है। मेरा वॉलेट और लाइफ दोनों हाईजेक करके बैठी हुई है। इतना पैसा तो दे चुका हूँ, और पैसा कहाँ से लाऊं? चुकंदर उठ गया ना, ये ले मेरे लिए मैगी बना के ला। पूरी मार्केट में सिर्फ ये एक मैगी मिली है, सारी जगह आउट ऑफ स्टॉक है। ले पकड़, बना के ला। बहन जा यार, अभी परेशान मत कर मुझे। अबे क्या हो गया, तू के टिंडे जैसी शक्ल की बना रखी है। ऐसा लग रहा है किसी ने बिना नींबू के तुझे नींबू पानी पिला दिया। कुछ नहीं हुआ, जा परेशान मत कर, मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से। अगर जरा सा भी लेट होता ना तो मेरी फेवरेट 7,000 वाली ड्रेस वो मोटी लड़की ले जाती। बेबी, जो तुमने मुझसे 25,000 रुपए उधार ले रखे हैं, वो कब वापस करोगी? मुझे थोड़ा अर्जेंट जरूरत है। कौन से 25,000? बेबी तुम्हें मुझ पे जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है क्या? अब तुम मुझसे हिसाब मांगोगे? हमारे प्यार के बीच में पैसा कहाँ से आ गया? अरे नहीं नहीं बेबी, तुम रो मत, मैं मैनेज कर लूंगा। आज भी तो शॉपिंग कराई है ना तुम्हें 12,000 की। 12,000 की शॉपिंग? अच्छा बेबी सुनो ना, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। कितने पैसे? 45,000। 45,000? अरे इतने पैसे तो मैंने आज तक एक साथ नहीं देखे, तुम्हें कहाँ से लाके दूँ? और तुम्हें करना क्या है इतने पैसों का? तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। वो क्या है ना, मेरे बेस्ट फ्रेंड को कॉलेज की फीस जमा करनी है, जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। ठीक है मैं करता हूँ कुछ। ये लो अपने गिफ्ट, जल्दी करना। हाँ ओके, बाय बाय।
हेलो, हाँ पैसों का इंतजाम हो गया है। मैंने तुझे कहा था ना पंकज, जब तक मेरे प्यार में पागल है तब तक पैसों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चल, बाकी बातें मैं घर आकर करती हूँ, बाय। अब समझ आया मेरे भाई इतना परेशान क्यों था। ये चुड़ैल मेरे भाई को लूट रही है, इसको तो मजा चखाना पड़ेगा। अदिति ने देख लिया। भूल गया क्या, जब 10th में तू 8-8 बार फेल हुआ था और जब 9वीं बार पापा स्कूल वालों को पैसे देने गए थे तुझे पास करने के लिए, तो स्कूल वालों ने डबल पैसे दिए ताकि तुझे स्कूल से ले जाए। जा यार दिमाग मत खराब कर। क्या हुआ, गर्लफ्रेंड के लिए दहेज भी तू ही इकट्ठा करेगा क्या? तुझे कैसे पता चला? कुत्ते, तूने आज तक मुझे 700 रुपए की ड्रेस नहीं दिलाई और उस चुड़ैल को 7000 की ड्रेस। हाँ तो वो 7000 की ड्रेस में भी सुंदर लगती है और तू 1 करोड़ की ड्रेस में भी बंदरिया लगेगी। कुत्ते, तूने मुझे बंदरिया कहा? अरे यार रुक जा यार, बेमतलब का मार रही है यार। वो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुझे ये सब कैसे पता चला? वो बचपन के प्यार टिकटॉक वाले मजनू, तेरी भी तो प्यार व्यार नहीं करती है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर तेरा पागल बना रही है, वो भी तेरे पैसों के लिए। यार कुछ भी मत बोल, वो मुझे बहुत प्यार करती है। पता था तो मेरा यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी तेरे जाने के बाद। अब ये देख, पैसों का इंतजाम हो गया, मैंने तुझे कहा था ना पंकज, जब तक तेरे प्यार में पागल है तब तक पैसों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चल, इसका मतलब वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही थी। उसके पास तो मेरे 25,000 रुपए भी है, वो मैं वापस कैसे लूंगा? धन कैसे भी करके मेरा इससे पीछा छुड़वा दे और मेरे 25,000 रुपए वापस दिलवा दे। सुन भाई, एक मस्त आइडिया है, पर तुझे मेरे को प्रॉमिस करना पड़ेगा, वो 25,000 तू मुझे रक्षाबंधन में गिफ्ट करेगा। अच्छा ठीक है, 25,000 रुपए तेरा गिफ्ट और उस लड़की से आजादी मेरा गिफ्ट। ठीक है डन, इधर आ। अब आएगा मजा, आएगा मजा। देख, ये हमारा घर है। हमारे प्लान के हिसाब से मम्मी पापा फ्राइडे को विमला मुझके घर जाएंगे अंबाला। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन घर खाली। हाँ मैं उसको घर खाली होने के बहाने से स्टे करने के लिए यहाँ बुलाऊंगा पैसों का लालच देकर, और फिर शुरू होगा डर का असली खेल। यो बहन, थारी बहन अदिति, यो इतना डराएगी उस लड़की को, लड़की ने सच्ची ना होगी। और हमारी प्यारी ऑडियंस, इस वीडियो को इतना लाइक कर दो, इतना लाइक कर दो, सारे पंकज ने भी सच्ची ना होगी। अरे बेबी आप आ गए। हाँ तुमने ही तो कहा था तुम्हारे मम्मी पापा घर पर नहीं है और संडे तक तुम 45,000 का जुगाड़ भी कर लोगे। चलो मैं आ गई। हाँ 45,000 के लिए तो तुम एवरेस्ट पे पहुँचो नंगे पैर। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, आओ ना दीदी आओ। ये पकड़ो बैग और मुझे बताओ वॉशरूम कहाँ है, मुझे फ्रेश होना है। हाँ सामने सीधा। ठीक है हाँ। मैं भी आती हूँ। ये भी ऐसे नहीं आई, ये भी कुछ प्लानिंग के साथ आई है। क्या कहते हैं गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तू कौन है? पंकज। ये क्या हो रहा है भाई, क्या मस्त मजा आया इसको डरा के। जल्दी जल्दी ये रोकने वाला पानी डाल। कितना चिल्लाती है ये, पकड़, मैं जाता हूँ वरना चिल्ला चिल्ला के मोहल्ला इकट्ठा कर देगी। आया बेबी। क्या हुआ बेबी, आप इतना डरे हुए क्यों हो? इस घर में कोई है, कोई तो है,
हाँ बेबी, ऑब्वियसली इस घर में दो लोग हैं, आप और मैं। कैसी बात कर रही हो आप? नहीं, हम दोनों के अलावा भी कोई है। हाँ है ना, हमारा प्यार, हमारा सच्चा प्यार। हटो हटो दूर, मैं सच कह रही हूँ, अभी इस वॉश बेसिन से पानी की जगह खून आ रहा था। क्या बेबी, कुछ भी बोल रही हो आप? आपने मुझसे 25,000 रुपए नशा करने के लिए लिए थे क्या? क्योंकि जैसी तुम बातें कर रही हो तो लग रहा तुमने नशा किया हुआ है। Shut up! अगर तुम्हें यकीन नहीं होता ना तो तुम खुद चेक कर लो टैप ऑन करके। ठीक है, अभी चेक कर लेता हूँ। अरे बेबी, पानी तो आ रहा है और इसमें से खून कैसे आ सकता है? अगर तुम रूह अफ़ज़ा बोलती तो मैं मान भी लेता। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज तुम बाहर चलो यहाँ से। हाँ, आओ आओ आओ। बेबी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ तो बताओ ना बेबी, क्या खाओगी? मैं अभी बाहर से ले आता हूँ। बाहर? नहीं नहीं, प्लीज बाहर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेबी बाहर तो जाना पड़ेगा ना, प्यार से पेट थोड़ी भरता है। बकवास मत करो बेबी। अच्छा ये बताओ, घर में मैगी है? हाँ है ना, मैं अभी बना के लाता हूँ। लेकिन 2 मिनट में ही आ जाना। हाँ हाँ, बस यूं गया और यूं आया। मैगी, बेबी को भूख लग रही है। अबे यार बेबी वाले, ये मैगी मैं लेकर आई हूँ। पूरी मार्केट में घूम के एक मैगी मिली और वो भी तो चुड़ैल को खिला देगा। लाओ मेरी मैगी दे। इधर दे, इधर दे। अबे दो यार। सुन, देखिए मैगी है ना खुल चुकी है और अब ये बन के ही रहेगी, ठीक है? जब तक मैं ये मैगी बना रहा हूँ, तू जा अपना कमाल दिखा दे। कुत्ते छोडूंगी नहीं तुझे। यार इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे 2 मिनट तो लगेंगे ना मैगी बनाने में, बिल्कुल ही भूखड़ हो रही हो। Shut up! मैं बता रही तुम्हें, इस घर में भूत है। अभी भी मैंने एक चुड़ैल को देखा और ये लाइट सारी ऑन ऑफ हो रही थी और मैंने चुड़ैल के चिल्लाने की भी आवाज सुनी। इस घर में जरूर कोई है। बेबी सच्ची बताओ, क्या मिक्स करके पिया है तो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे इतना अच्छा मूड था, पूरा स्पॉइल कर दिया। आओ बैठो, मैगी खाते हैं। खाओ बेबी खाओ। आओ बैठो, मैगी खाते हैं। आप खाओ आप खाओ। बेबी भूत। भूत? कहाँ है भूत? वो रहा तुम्हारे पीछे। मेरे पीछे? हाँ, उधर उधर। कहाँ है बेबी? यहाँ तो कोई भी नहीं है मेरे पीछे। आपको शायद कोई वहम हुआ है। अब मैगी खाओ। कौन बेबी, यहाँ तो कोई था ही नहीं, तब से मैं अकेले मैगी खा रहा हूँ। आप मैगी खाओ। नहीं, कोई तो था। पापा, 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 पापा।
मेरी वहां तो कोई भी नहीं है। लगता है तुम ना नींद में हो। तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। बोतल भी खाली हो गई। लेटो लेटो लेटो, कोई नहीं है बेबी, लेटो लेटो बेबी, चद्दर ओढ़ के सो जाओ। मम्मी अरे अबे उस चुड़ैल ने मेरा सर फोड़ दिया बोतल से, और तू चुपचाप सोता रहा। ऐसी रक्षा करेगा अपनी बहन की? ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे रक्षाबंधन पे 25,000 रुपए। इसे कहते हैं खून और पसीने की कमाई। खाना चाहती हूँ, मेरे पास आओ। अरे क्या हुआ बेबी, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? उस भूती ने मुझसे बात की, उसने मेरे कान में आगे बोला मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। अरे बेबी आपको कोई वहम हुआ होगा, अगर भूत होता तो मुझे भी दिखता ना। जाओ तुम नहा लो, जाओ। ठीक है। तू ये टीवी पे क्या कर रही है? भाई पेन ड्राइव लगा रही हूँ। पेन ड्राइव? कैसी पेन ड्राइव? स्पेशल मूवी है इसमें, तू बस अपनी बंदी को दिखा दियो। बेबी आज मैं आपकी फेवरेट मूवी लगाने वाला हूँ, आपको मजा आ जाएगा। भूतनी को? कौन भूतनी बेबी, कहाँ है भूतनी? मुझे लगता है तुम्हारे मन का वहम है, मूवी तो आ रही है देखो। क्या कर रही है दीदी? देखा देखा फिर आई। अरे चुप करो यार तुम, जैसी मेरी नजर इधर उधर होती है तुम्हें टीवी में भूतनी नजर आने लग जाती है। अरे ऐसी भी क्या शर्मीली भूतनी है जो लड़कों को देखते गायब हो जाती है। अब मूवी देखो। बंद करो टीवी, मुझे देखनी नहीं है मूवी, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। बंद कर देते हैं। बेबी आपने पूरा दिन खराब कर दिया आज का, ये भूत 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 करके कुछ रोमांटिक ही नहीं है जरा सा भी। I'm sorry baby, क्या तुम संडे की जगह आज ही पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर सकते? अभी मुझे 3 दिन और रहना पड़ेगा इस भूतिया घर में। पैसों के लिए तो तू कब्रिस्तान में रुक जाए, ये तो फिर भी घर है। क्या कुछ नहीं बेबी, मैं कह रहा था हम दोनों कपल डांस करें क्या? ओके ठीक है। Spin it round, turn it upside down. Can't stop, can't stop. Shake your booty, it's your duty. La booty bhi aa gayi. Yo baby, catch my style, catch my style. Oh. Finally काम हो गया। चल भाई अब चलते हैं अपने लास्ट और आखिरी स्टेप की तरफ। जब देखकर चिल्लाती रहती है, थकती नहीं है क्या, पेट्रोल पीती है? कौन हो तुम? मैं भूत हूँ, अब इतने गेटअप से तुझे दिख नहीं रहा, चपोट मारूंगी। अब क्या तेरे लिए गुची के कपड़े पहन के भूत बनूं? मेरा मतलब है मुझसे क्या चाहती हो, मुझे क्यों दिखती हो? देख भाई मेरी हिस्ट्री बड़ी सिंपल सी है, मेरे भाई को एक लड़की पागल बना रही थी, उसके पैसे खा रही थी, तो जब मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया
तो उस लड़की ने मुझे उस पार्क में गोली मार दी। तब से मेरी आत्मा उस पार्क में भटक रही है। और अब कोई भी लड़की किसी भी लड़के को पागल बनाए, किसी भी लड़के के पैसे खाए, तो मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, उसको छोड़ती नहीं। लोमड़ी, तू क्या बकरी की तरह मैं कर रही है? तूने पागल नहीं बनाया इस लड़के का? हाँ, तू इसके पैसे नहीं ले, इसके पैसे वापस कर दे अभी की अभी, और छोड़ के चली जाए इसको हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मैं पंकज से बहुत प्यार करती हूँ। निकालू अभी तेरा प्यार? नहीं नहीं, मैं इसका एक एक रुपया चुका दूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज सॉरी। एक काम कर, जल्दी से पर्स में से पैसे निकाल अभी के अभी। अभी नहीं, एक काम कर, यहाँ पे बैठ के अपनी ग्रेजुएशन कर ले, फिर तेरे लिए लड़का देख के तेरी शादी कर देंगे, फिर जब तू ससुराल जाने वाली होगी ना, तब पैसे दे दियो। ये सही रहेगा। अभी बोलो ना अभी, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, दे रही हूँ दे रही हूँ। कितने सारे पैसे रखे हमने? ये पूरे 25,000 हैं। ये मैंने पंकज से लिए थे, अब मैं पंकज से कभी नहीं मिलूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है चल भाग यहाँ से। सुनो, 100 रुपए ले लूँ, ऑटो का किराया चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऑटो की क्या ही जरूरत है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी, वॉक भी हो जाएगी, वैसे खा खा के मोटी हो गई हूँ। अरे बेबी, आप कहाँ जा रहे हो बैग लेके इतनी स्पीड से? कोई बेबी बेबी नहीं, आज से हमारा ब्रेकअप, ना मैं तुम्हें जानती और ना तुम मुझे जानते। हो सके तो अगले रक्षाबंधन पे मुझसे राखी बनवा लेना। हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। बेबी सुनो तो, भाई अब बनेगा रक्षाबंधन। इस रक्षाबंधन से तेरा गिफ्ट मिल गया और मुझे मेरा। बिल्कुल, चल तैयारी करते रक्षाबंधन की। चलो ला भाई, तुझे राखी बांध देती हूँ। हाँ ये लेना, हाँ ये लेना। ला भाई मेरे 25,000 रुपए। कौन से 25,000? तूने प्रॉमिस किया था ना मैं उस चुड़ैल से तुझे बचाऊंगी, तो तू मुझे 25,000 रुपए देगा? पागल हो गई है क्या? कोई प्रूफ है तेरे पास? कोई रिटर्न एग्रीमेंट है क्या कि मैंने ऐसा कहा था? कुत्ता पंकज, वो मैं फेस वॉश भूल गई थी। तुम तो भूत हो ना, और ये राखी, इसका मतलब तुम दोनों भाई बहन हो। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझे, इसका मतलब कोई भूत नहीं था। नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। Hey guys, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो क्या कर रहे हो यार, रेड वाला बटन इसे दबाओ, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है। सो गाइस, ये था रक्षाबंधन स्पेशल। और हाँ, और कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं जो मतलब इस तरह का ड्रामाबाजी करते हैं और पैसे खाती हैं लड़कियाँ, लड़के भी होते हैं बेचारे। खैर, वीडियो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई, इनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी होती है, इनका लड़ाई झगड़ा भी बहुत अच्छा होता है, मज़ा आता है, मतलब दोनों बहन भाई एक दूसरे बार मारते पीटते रहते। तो मुझे वीडियो बहुत पसंद आई, आपको वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल मस्त वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।